हेलो एंड वेलकम टू द सेशन। आज का सेशन काफी स्पेशल होने वाला है बिकॉज आई हैव वॉट अ वंडरफुल न्यूज फॉर यू पीपल, स्पेशली फॉर ऑल द टेक्निकल ग्रेजुएट्स, फॉर ऑल द टेकीज। न्यूज किस चीज से रिलेटेड है कि जैसे कि आपको पता होगा कि वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस डायरेक्ट एंट्री, ठीक है, इंडियन आर्मी का वन ऑफ द डायरेक्ट प्रेस्टीजियस डायरेक्ट एंट्री शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर टेक्निकल एंट्री, जिसकी ट्रेनिंग OTA में होती है, ठीक है, उसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द joinindianarmy.nic.in के साइट पे रिलीज होने वाला है। तो आज के सेशन में हम इसी से रिलेटेड डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। ओके, SSC Tech 58 एंड SSC Tech 29, इट इज फॉर बोथ मैन एंड वुमेन के लिए नोटिफिकेशन 28 सितंबर को जारी होने वाला है, ठीक है। ट्रेनिंग आपकी होगी OTA चेन्नई अप्रैल 2022। ऑलराइट, तो एनी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट स्पेशली द कोर ब्रांचेस जैसे कि मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, CS, ओके, एंड ऑल द डिफरेंट इलेक्ट्रिकल, ऑल द डिफरेंट कोर ब्रांचेस, आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और भी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा कि जब प्रॉपर वे में नोटिफिकेशन वुड कम, ठीक है, तो आप देखेंगे कि मेन के लिए SSC Tech 58 एंड वुमेन के लिए SSC Tech 29। कोर्स कन्वीन होने वाला है एंड एप्लीकेशन की लास्ट डेट 27 अक्टूबर, मतलब 27 सितंबर से फॉर्म फिलिंग शुरू होगा, 27 अक्टूबर तक लास्ट डेट रहेगी। सो आई वुड से दैट दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द टेकीज आउट देयर। ओके, एज लिमिट की अगर मैं बात करूं, तो देखो SSC Tech men and SSC Tech women दोनों के लिए सेम एज क्राइटेरिया, डेट इज 20 to 27, 20 से लेकर 27 साल। आपकी 27 और 20 के बीच की एज कब होनी चाहिए, एज कब देखा जाएगा, 1 अप्रैल 2022 में जो आपकी पर्टिकुलर एज रहेगी, डेट शुड बी बिटवीन 20 से लेकर 27 वाला ब्रैकेट। और सिंप्लीफाइड वे में अगर मैं बोलूं तो आपका डेट ऑफ बर्थ 2 अप्रैल 95 से 1 अप्रैल 2002 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। एंड फॉर विडोज एंड डिफेंस पर्सनल्स हु डाइड इन हार्नेस, इनके लिए एज क्राइटेरिया 35 ईयर्स है, ठीक है। ऑलराइट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर मैं बोलूं तो आपके पास एक प्रॉपर इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, या फिर जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस सर्विस के लिए एलिजिबल है। अगर बाय चांस अगर 1 अप्रैल से जैसे कि कोर्स स्टार्ट होगा, ठीक है, 1 अप्रैल से जब भी आपका बेसिक कोर्स वगैरह स्टार्ट होगा, आपका प्रूफ ऑफ पासिंग आपको 1 अप्रैल तक दिखाना पड़ेगा। यू गेटिंग इन, प्रूफ ऑफ पासिंग आपको 1 अप्रैल से दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपका कोर्स यहाँ पर अप्रैल 2022 से स्टार्ट होगा। इवन जो फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स हैं उनका अगर एग्जाम हो चुका होगा पर उनका अगर फाइनल का रिजल्ट नहीं आया है, जब वो एकेडमी ज्वाइन करेंगे तो उसके 12 वीक्स के अंदर OTA में उनको एक प्रोविजनल डिग्री, प्रोविजनल सर्टिफिकेट टैग आपको शो करना होगा। सो यस, दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी। ये 28 सितंबर से आई थॉट कि मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज दूं, आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाला है। परसेंटेज क्राइटेरिया एंड जो भी डिफरेंट क्राइटेरिया, जैसी नोटिफिकेशन आएगा तो डिटेल में आपके साथ शेयर किया जाएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, ये कुछ कुछ ऑनगोइंग कोर्सेस हैं, जैसे मिशन CDS कोर्स 16 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। इट वुड बी टेकन बाय द टॉप फैकल्टीज ऑफ बायजूस एग्जाम प्रेम। ओके, OTA स्पेशल का 16 सितंबर से है एंड 30th सितंबर से FCAT का फाउंडेशनल कोर्स है, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। 23rd सितंबर से CAPF का फाउंडेशनल कोर्स है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 21st सितंबर से SSB का मास्टर कोर्स है। ये कोर्सेस, जितने भी कोर्सेस है, ये बहुत ही वेल वर्स एक्सपीरियंस फैकल्टीज और खुद जो आर्म फोर्सेस में सर्व कर चुके हैं, सिलेक्टेड कैडेट्स के थ्रू लिया जाएगा। सो यस, डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी एंड fulfill your dream to become an officer in the Indian Armed Forces. Thank you so much. Jai Hind.